हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर। आज जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है एलएच मॉर्गन का इवोल्यूशन ऑफ फैमिली। यानी इन्होंने मैरिज टाइप ऑफ मैरिज के आधार पे बताया है कि फैमिली की उत्पत्ति, फैमिली का उद्विकास कैसे होता है। तो ये उस स्टेजेस में इन्होंने पाँच स्टेजेस दिए हैं, पाँच चरण दिए हैं। शादी के हिसाब से इन्होंने जो परिवार है उसके विकास को समझाया है, ठीक है। उस विकास को समझाने में ये पांच चरण देते हैं। बोलते हैं कि कोई भी समाज जो होता है वैवाहिक स्तर पे पांच चरणों से गुजरा हुआ है, जैसे उसकी उत्पत्ति हुई है। तो सबसे पहला चरण ये बताते हैं, कॉन्सैंग्विनल फैमिली। कॉन्सैंग्विनल फैमिली मतलब होता है कि रक्त संबंधी परिवार। ये कैसे बनता है, इसमें मैरिज सिस्टम कैसा रहता था, तो आप जरा आदम और हव्वा दोनों भाई बहन थे और उन्हीं से जो संतान बनी है उससे ये पूरा समाज बना, पूरी सृष्टि बनी, ठीक है। यानी जो कॉन्सैंग्विनस टाइप ऑफ फैमिली जो होती थी वहां पे मैरिज किसका होता था, बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। समझ में आया, भाई और बहन के ही बीच में। जो प्राचीन बहुत पुराना जो आदिम जाति जो लोग थे वो लोग भाई बहन के बीच में ही विवाह कर लेते थे, मैरिज। उस फैमिली को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सैंग्विनल फैमिली कहते हैं, रक्त संबंधी परिवार कहते हैं। इसके बाद के चरण में ये कहते हैं कि दूसरी जो फैमिली आई, जो नेक्स्ट स्टेज था, वो था पुनालुअल फैमिली का। पुनालुअल फैमिली में क्या होता था, पुनालुअल फैमिली में ये होता था कि जो वाइफ होती थी, मतलब कि ग्रुप में ग्रुप मैरिजेस हुआ करते थे इसमें, तो जो हस्बैंड्स होते थे वो अलग अलग लोग हुआ करते थे। यानी जरूरी नहीं है कि वो भाई हों, बल्कि ये जरूरी था कि भाई नहीं होते थे। लेकिन जो औरतें सारी होती थी, यानी उनकी जो वाइफ्स होती थी, जो उनकी पत्नियां होती थी, वो सारी की सारी बहनें हुआ करती थी। समझ में आया, यानी एक तरफ बहनों का ग्रुप हुआ करता था और दूसरी तरफ अलग अलग मेल्स होते थे जो कि अलग अलग फैमिली से आए हुए होते थे। इनके बीच में जब शादी होती थी उसे हम क्या कहते थे, पुनालुअल फॉर्म ऑफ फैमिली कहते थे। थर्ड ये बताते हैं, होता है सिंडाजमियन फॉर्म ऑफ मैरिज, या जिसे हम पेयरिंग ऑफ मैरिजेस भी कहते हैं। पेयरिंग ऑफ मैरिज में क्या होता था, ये कहते हैं कि सिंडाजमियन में क्या होता था कि दो लोग साथ में मिलकर के रहते थे, ठीक है, लेकिन उनको समाज से एक्सक्लूसिव कोहेबिटेशन नहीं प्राप्त होता था, ठीक है। मतलब वो लोग ऐसे नहीं रहते थे कि एक घर बना लिया और एक ही घर के अंदर दोनों रह रहे हैं। जब मेटिंग रिलेशनशिप रखना होता था तब वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते थे। समझ में आया, और ये रिलेशन कब तक चलता था, जब तक दोनों एक दूसरे से सहमत होते थे, जब तक वो दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा लगता था, यानी प्लेजर के जब तक रहता था दोनों के बीच में, तब तक ये जो व्यवस्था थी ये चलती थी। इसे क्या कहते थे, सिंडियाजमिन और पेयरिंग फैमिली कहते थे। नेक्स्ट इसके बाद जो है फोर्थ टाइप ऑफ फैमिली आती है, वो होता है पैट्रियार्कल फैमिली। पैट्रियार्कल फैमिली मतलब होता है पितृसत्तात्मक परिवार। इसमें क्या होता था, जो आपने पॉलीजेनी टर्म सुना होगा, ठीक है, पॉलीजेनी टर्म, पॉलीगैमी टर्म, ठीक है, वो यहीं से आया है। एक राजा की बहुत सारी रानियां होती थी, बहुत सारी फीमेल्स के साथ शादी करते थे, उसे हम क्या कहते थे, उसे हम पॉलीजेनी या पॉलीगैमी कहते थे। उसको यहाँ पर एलएच मॉर्गन क्या कहते हैं, पैट्रियार्कल फैमिली कहते हैं, ठीक है। जब एक व्यक्ति ढेर सारी महिलाओं के साथ शादी कर लेता है, यानी व्यक्ति एक होता है, मेल एक होगा, ढेर सारी फीमेल के साथ शादी करता है, उस तरह की फैमिली को पैट्रियार्कल फैमिली कही जाती है। तो चरण में ये चौथा चरण था पैट्रियार्कल फैमिली। और लास्ट जो आज व्यापक रूप से हम लोग देखते हैं, मोनोगैमस, यानी एक मेल का एक फीमेल के साथ शादी, दोनों सोशली एक्सेप्टेड हाउस में रहते हैं, साथ में रहते हैं, गृहस्थ जीवन का पालन करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उसमें उसको क्या कहते हैं, मोनोगैमस फैमिली कहते हैं, ठीक है, समझ गए। ये कहते हैं इन्हीं पांच चरणों से हर एक समाज जो है आदिम जाति में कॉन्सैंग्विनस रहा, फिर उसके बाद पुनालुअन आया, फिर उसके बाद सिंडाजमियन आया, फिर उसके बाद पैट्रियार्कल, और फिर उसके बाद लास्ट जो फाइनल स्टेज जो था ये बताते हैं कि मोनोगैमस फैमिली होती है। तो मैं समझता हूँ कि अब आप लोगों को कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट।